ऋषियों ने ग्रंथ की रचना की, इतनी रचना की, इतनी रचना की। मैं आपको एक साधारण बात बतलाता हूँ, मैं यहाँ रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय बेलूर मठ में हूँ, तो बीच बीच में केवल शौक से हमारे पुस्तकालय में जाता हूँ जहाँ पर संस्कृत पुस्तकें हैं, एक दृष्टि डालता हूँ क्या देखने के लिए क्या क्या धर्म ग्रंथ है हमारे। और धर्म ग्रंथ जो है रैक पर नहीं, अलमीरा में नहीं, कतारबद्ध अलमीरा में, एक के बाद एक, एक के बाद एक मूल ग्रंथ है, उन पर भाष्य है, भाष्य पर टीका है। मेरा ये यहाँ का जो पुस्तकालय है इससे भी बड़ा बड़ा पुस्तकालय केवल शास्त्र पर चला जा सकता है। और भारत में बहुत सारे प्रकाशक हैं जो केवल धर्म ग्रंथ को छापने का ही काम करते हैं, लेकिन जब आप अध्ययन करना चाहें इन्हें तो सबको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन्हें मूलतः आप चार श्रेणी में इसका विभाजन कर दे सकते हैं। पहला है दर्शन, उपनिषद और गीता, ये और इन पर आधारित पुस्तकें ये दर्शन में आते हैं। और साथ में आते हैं इतिहास पुराण, इतिहास पुराण में कथा कहानी के माध्यम से इसी दर्शन को दिया जाता है। और स्मृति, जहाँ आता है आपकी दिनचर्या कैसी होगी, आप अपना जीवन कैसे निभाएंगे, आपके आचार कैसे होंगे, आपका व्यवहार कैसा हो। मनुस्मृति आदि सैकड़ों ग्रंथ हैं केवल स्मृति पर, तंत्र हजारों हजार ग्रंथ हैं तंत्र पर, जिनमें से अधिक छपे भी नहीं है अभी तक। साधारणतः तंत्र जो है, तंत्र मूलतः शक्ति साधना की ओर बढ़ा, जहाँ भी आप कोई बीज मंत्र देखते हैं जैसे रिम क्लिम श्रीम, ये समझे कि वहाँ पर तंत्र का प्रभाव है। और जहाँ भी शक्ति की पूजा देखते हैं समझिएगा तंत्र का प्रभाव है। कि मूलतः हमारे ये चार श्रेणी के ग्रंथ हैं, पहला वो दर्शन, दूसरा इतिहास पुराण, तीसरा स्मृति और चौथा तंत्र आदि।